अगर आप कभी भी स्किडिंग में गए हो, फॉर श्योर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कहा होगा, भाई मुझे समझ नहीं आया, या इसने कुछ बोला ही नहीं था, इसका सीन हो कैसे गया। आपने ये भी बोला होगा, भाई मैंने जीडी में एक शब्द बोलते नहीं सुना और इसका फिर भी स्क्रीनिंग हो गया। भाई जीडी ने पता इसने हल्का सा एक शब्द बोला और इसका स्क्रीनिंग हो गया, या इसका नरेशन इतना खराब गया था, भाई स्क्रीनर मतलब जो वो होते हैं ना, जो सामने बैठे होते हैं ऑफिसर्स, उनको देख के बोल रहा था फिर भी इसका स्क्रीनिंग हो गया। बताओ, या मैं पता नहीं समझ नहीं आ रहा है मेरा क्यों नहीं हुआ। या अगर आप इस देश की व्यवस्था से परेशान हो तो आप करप्शन को रुकूंगा, भाई पक्का जुगाड़ लगता होगा करप्शन है यहाँ पर। अभी कपूरथला का केस नहीं आया था करप्शन का, भाई पक्का, मैं तो जानता था हमेशा से ऐसे ही होगा। आपने ये बात मानी होगी, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर से होकर आए हो ना, तो आपको एक बात जरूर कहेगा कि PPNDT स्क्रीनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो आप OIR को स्किप नहीं करोगे। मैं OIR के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। जब आप स्क्रीनिंग में आप डाउट केस होते हो, क्या जब आप डाउट केस होते हो तो आपका OIR ही रोल प्ले करता है आपको स्क्रीन करने में, समझ रहे हो। अगर डाउट केस नहीं हो तो OIR का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर के ऑफिसर के साथ देख लो ना, वो भी आपको यही बताएगा। अब आते हैं PPNDT पे। फिश मार्केट से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, भैया फिश मार्केट को कैसे हटाया जाए, या भैया फिश मार्केट से डील कैसे किया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो भैया उठ के खड़े होकर बोल देंगे, जेंटलमैन लेट्स कीप क्वाइट, लिसन 1-to-1 केयरफुली, सबको चुप करना शुरू कर देंगे। वो तो गलत है, आपको पता लग गया होगा अगर आप रिपीटर बन चुके हैं अभी तक तो। इसमें तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक ही चीज बताऊंगा, बट इससे ज्यादा चीजें बताने के लिए मेरे पास अशोक सर हैं। अशोक सर SSB भोपाल के साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब उन्होंने इतनी स्क्रीनिंग देखी है जितनी हमने अटेंड भी नहीं करी है, और उन्हें खुद चेक करके कई बच्चों को आउट और कई बच्चों को इन किया। अब मैं जो तुम्हें चीज बता रहा हूँ मेरे पास ध्यान सुनो, हो सकता है तुमने सुनी हो बट इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, क्लियरिटी आएगी। जब सब बोल रहे होंगे तो सब शांत भी होंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब सब एक साथ बोल रहे होंगे तो सब शांत भी होंगे, तभी तुम्हें आधे एक सेकेंड का मौका मिलता है अपनी बात रखने का। अब आप में कई ऐसे भी होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कई बार 2-4 बच्चे भी बोलते रहते हैं, यही वो मौका है कि जब तुम सभी बच्चों को, मान लो अगर 20 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं जब सब बोल रहे होंगे तो सब लोग शांत भी हो रहे होंगे, तो 20 में से करीबन 16-15 बच्चे शांत हो जाएंगे, तो 5 ही बच्चे बोल रहे हैं। यू हैव एनफ स्पेस टू कन्विंस हाफ ऑफ द ग्रुप और इवन टू एड्रेस योर वॉइस वेरी क्लियरली टू एवरीवन, हल्की सी आवाज ऊंची करके आप कर सकते हो। शुभम भाई ये मुझे पता है, अगर पता है तो तुम्हें एक बात जो सता रही होगी वो होती है स्ट्रेस, क्योंकि जीडी में ऐसा होता है कि या मैंने नहीं बोला तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ही अशोक सर इंपॉर्टेंट SSC भोपाल के साइकोलॉजिस्ट, इनके पास एक ऐसी चीज है जो नरेशन में आपकी मदद करती है। आप में से काफियों का मानना होता होगा, या मैं एक बार कहां गया था, बेंगलुरु गया था मैं, तो बेंगलुरु में एक बच्चा जो मेरा ही व्यूअर था, वो कहता भैया बड़ा ही सिंपल है, आपको सिंपल इतना करना है नरेशन बेहतरीन दो और हो जाएगा। नहीं, नरेशन अगर आपने फ्लुएंटली बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रीनर हो जाएंगे, ये नहीं है। स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी भी तो अच्छी होनी चाहिए तभी होगा, स्टोरी और नरेशन फ्लुएंटली करोगे तो हो जाओगे। गलत, आधी अधूरी पिक्चर है ये, स्टोरी अच्छी है पर स्टोरी अच्छी कैसे है। आई एम श्योर आपने ये पेपर अपनी स्क्रीनिंग के टाइम में देखा होगा, ये PPNDT राइट करने के लिए आपको दिया जाता है, जिसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, जहां पर आप अपने एज, मूड, जेंडर, करेक्टर लिखते हैं, और आप लोग फोकस करते हैं इस नीचे वाले हिस्से पे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से को आपको ये मानना होता है कि अगर मैंने स्टोरी ढंग की लिख दी तो असेसर इसी को पढ़ के इसी पे सिलेक्ट करेगा, और जो ऊपर वाली जो चीज होती है जहां पर एज, मूड, जेंडर होता है, उसको आप सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, और यही सारी गड़बड़ हो जाती है। इस गड़बड़ को ढंग से समझाने के लिए आपके सामने अशोक सर आ रहे हैं कल। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। ये वीडियो में खास बात ये है कि ये AFPA के साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब SSB में सर्विस लेने के बाद ये AFPA के साथ जुड़े, और रिसेंटली जुलाई में मैं AFPA गया था, तब मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी थी जो आपको भी पता लगनी चाहिए, जिसकी वजह से इनके ना एक ही दिन में, एक या दो दिन में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, 21 SSB रिकमेंडेशन आए हैं, और वो बच्चे वो थे जुलाई में मेरे साथ थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, ये सारे वो बच्चे थे। तो उन 21 बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है ना, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। और यकीन मानिए, हर दिन अगर आप AFPA को फॉलो करें तो हर तीसरे दिन आपको एक रिकमेंडेशन दिखेगा।
ऐसे आफपा की खास बात ये होती है, मैं अशोक सर की खास बात बताता हूँ। अशोक सर उनकी टीम की खास बात ये होती है, 15 दिन में हर दिन आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, जो भी आफपा गया वो आपको यही बोलेगा। अब वो ऐसा क्या बता रहे हैं कि इनके बच्चे स्क्रीनिंग की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब अगर 30 बच्चे एक बैच में हैं तो 27-28 के करीबन स्क्रीन हो जाते हैं। ये वे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते, मैं अपने मन से कह रहा हूँ ये, ठीक है, पर क्योंकि मैंने वहां ऑब्जर्व किया है चीज को, इस बात को नोटिस करते हुए मैं कह रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आप स्क्रीनिंग में गए, स्क्रीनिंग में जाने के बाद आपको फिश मार्केट दिखता है, फिश मार्केट में आप बोल नहीं पा रहे, क्लियर है। आपको कोई कोचिंग सेंटर कह देगा इनिशिएट करो, कोई कहेगा भैया पहले बोलने की कोशिश करो, कोई कहेगा कि जैसे मौका मिले वैसे बोलो। ये बात मैंने नहीं बोली जैसे मौका मिले वैसे बोलो, बट कभी भी आपने इस चीज को मोटो रखा कि जब भी मैं बोलूं तो ग्रुप को एक कॉमन सोल्यूशन पे लेके जाऊं। क्योंकि अगर आपने जीटीओ के यू नो इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुने हो तो वो यही कह रहा है कि यहां पर आपको एक कॉमन स्टोरी पे लेके जाना है, ना कि अपनी बनाई हुई स्टोरी पे लेके जाना है। अगर आप ये गड़बड़ कर रहे हैं तो गड़बड़ है। दूसरी बात ये, सर ये बात तो मैं जानता था कॉमन स्टोरी पे लेके जाना है, ये बात तो मैं जानता था, पर आप ये बात नहीं जानते थे कि जब भी मुंह से कुछ निकालो तो वो उसी की तरफ लीड करते हुए जाना है। कई बार लोग जो पहले किसी ने कुछ बोला होता है उसी को रिपीट कर देते हैं। भैया किसी ने पहले ने एक पॉइंट ऐसा बोला जो कि स्टोरी को एक कॉमन स्टोरी पे लेके जा रहा है, वो पॉइंट आपने रिपीट कर दिया, फिर कहते हो कि मेरा रिकमेंडेशन है। अबे ये कहां की समझदारी हुई? स्क्रीनिंग के लिए ये चीजें मैंने वक्त के साथ सीखी, एक पूरा पिलर बन गई है मेरी लाइफ में, मेरी ऐसी मोटिवेशन है। आई होप आपके साथ भी ऐसा ही हो। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये करीबन 30 मिनट का एक इंटरव्यू है अशोक सर का, जहां एक्चुअल में जब स्क्रीनिंग चल रही होती है एक असेसर कर क्या रहा होता है, कहां पर नंबर काटता है, कहां पर देता है, वो सब इसमें दिए हैं। पीपीडीटी और टैड यहां पर डिटेल में आपको समझने का मौका मिलता है। तो कल आपसे मिलेंगे रात को 9 बजे, उससे पहले मुझे आपके क्वेश्चन चाहिए। यहां पर जितने क्वेश्चन आप डालोगे इस वीडियो के नीचे, ये जो आपको दिख रही है इसका थंबनेल, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाना, अपने क्वेश्चन पुट करना स्क्रीनिंग के। आपकी एफकेट सीडीएस की एसएसबी आने वाली होगी, जितने क्वेश्चन पुट करोगे उतना अच्छा इंटरव्यू ला सकता हूं मैं आपके सामने। और मुझे बिफोर रिलीज 400 लाइक चाहिए। आई नो सीडीएस और एनडीए यहां पर आपके सिर पे खड़ा है, भाई यकीन मानिए ये वीडियो आपको एक कदम क्लियर देगा कि यार ये करना है मुझे स्क्रीनिंग में। तो मेक श्योर यू कम टुमारो एट 9 PM। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर। और याद रखें, जब भी आपका रिकमेंडेशन हो मेरी वीडियो देखकर तो मुझे मिठाई खिलाना भूलें। मेरा नंबर आपको यहां पर दिख रहा होगा, ओवर हेयर ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप एंड आई विल श्योरली लाइक टू ईट योर स्वीट्स, क्योंकि मिठाई खाने का मौका आजकल मुझे तभी मिलता है जब आपका सिलेक्शन होता है। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।